से लेके एंटरप्रेन्योर इस सफर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो एक्टर को भी ज़रूरत पड़ती है, एक आम आदमी को भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि एक एक्टर आया है इस इंडस्ट्री में, हम भी एक इंसान है, वही हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग भी, हमने बस एक इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री में, आप सब भी, हम सब एक ही इंडस्ट्री में, आप भी ये मीडिया इंडस्ट्री में, आप दूसरी तरफ हैं, हम इस तरफ हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। और एजुकेशन की बहुत ज़्यादा, ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म की बहुत कमी थी, तो एक कोशिश की गई जहाँ पे भी खाली है, जहाँ पे भी जगह है, जहाँ पे भी ज़रूरत है, वहाँ पे दिया जाए। जो नॉर्मल ट्रेंड देखा गया है कि कहीं बहुत चीज़ें हिट रहती हैं, पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती है, फिल्म का एक कॉन्सेप्ट हिट होता है, सब उस फिल्म के पीछे लग जाते हैं उस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। उससे विपरीत अगर आप काम करते हैं, ऑपोजिट, तो आप अलग मुकाम बनाते हैं। आपको याद होगा कि ऐसे एक एक अश्विन सांघी की किताब है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले वाले को याद किया जाता है, नंबर टू को नहीं याद किया जाता। जेरोक्स ने मशीन पहले बनाई थी, तो उस आज वो, हाँ, तो जेरोक्स के नाम से। तो इसलिए एक उस ये सोच है कि उस सेगमेंट में एंटर किया जाए। और आज की डेट में कोई ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म नहीं था स्कूल एजुकेशन के बारे में, सारे पेरेंट्स को, जिस भी शहर में हम जा रहे हैं, 8-9 शहरों में, 6-7 स्टेट्स में हमारी एग्जीबिशन है, तो सबको पता लग जाएगा कि कौन से बोर्ड में पढ़ाना है। हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स खुद को एजुकेट कर लें, तब अपने बच्चों के बारे में फैसला लें, नहीं तो ना खुद एजुकेटेड नहीं है, खुद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, बच्चों को बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, जैसी दुकान चल रही है, जैसी लाइफ चल रही है, वैसी, तो उसको एक सही दिशा देने की कोशिश की गई है। जी, ये तो रहा आपका टेक, बट मेरा सवाल आपसे होगा गौतम, लाइक आपकी एजुकेशन कैसी रही, लाइक आपका? मेरी एजुकेशन के बारे में देखिए, पढ़ाई में तो मैं कमाल था, हमारी वही डिस्कशन हो रही थी, पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं, जितने ये अच्छे नहीं तो उतना मैं अच्छा था। अच्छी रही यार एजुकेशन, स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे थे, पढ़ाई में थोड़े कम अच्छे थे, बट डेफिनेटली स्कूल टाइम तो सबके लिए बहुत अच्छा ही होता है और स्कूल के दिन हमेशा याद रहते हैं। तो यहाँ पे जब आए और वही पवन से बात कर रहा था मैं कि स्कूल की याद आती है, पेरेंट्स देख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही आते थे, हाँ वो गलत रीजंस के लिए भी आते थे बहुत बार बट आते थे। तो बट डेफिनेटली एजुकेशन की बात हो रही है, जैसे फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म जैसे पवन बता रहा है फॉर स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको एडमिशन गाइडेंस काउंसलिंग अंडर वन रूफ मिलती है, जहाँ पे आप पेरेंट्स को, पेरेंट्स सब सीख सकते हैं, तो बच्चे और पेरेंट्स पे डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल का ज्वाइन करना है, बोर्डिंग स्कूल है, प्री स्कूल है, डे स्कूल है। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जहाँ पे आपको, सी हमारे टाइम में ये होता था कि भेड़ चाल थी, जैसे हमारी बात हो रही थी, पवन ने भी कहा था कि यार अभी एक पड़ोसी ने अपने बच्चे को वहाँ डाल दिया, तो कहते थे हाँ जी हम भी यहीं डाल देते, अच्छा स्कूल है जी, अच्छा स्कूल है, चलो डाल देते। पता नहीं होता था कि अच्छा है कि बुरा है, बस ये जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार का बच्चा जा रहा है तो हम जा रहे हैं। मगर अब टाइम बदल गया है, अब गौतम बच्चे मानेंगे भी नहीं, अब बच्चे मानेंगे, अब आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उनको उसको बैकअप करना पड़ेगा, दे विल नॉट एक्सेप्टेड। 2 साल का है छोटा वाला बच्चा, भी आपने देखा ना, सेकंड में पढ़ता है वो, अभी अपना स्कूल से 5th फ्लोर से बैकपैक करके नीचे आ गया, आई डोंट वांट टू स्टडी इन दिस स्कूल, वो नीचे आ गया। तो आप 2 साल के बच्चे को भी कन्विंस करना है तो आपको बताना पड़ेगा बेटा ये बोर्ड अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, उनको पसंद आना चाहिए। हम लोग के टाइम जो एक्सेप्टेंस थी वो खत्म हो गया है, क्योंकि अब गूगल भाई साहब ऐसे फैले हुए हैं कि आप कुछ भी होता है, आप जैसे वही सेम चीज बात कर रहे हैं, मगर अभी वही बात है करने की, मगर जैसे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को ये चीज गलत है, वो सुन लेते हैं, फिर 2 मिनट के बाद गूगल करते हैं, अब पता चलता है कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो गलत है, बच्चा कहता है ये सही है, तो पेरेंट्स को पलट के बोलता है कि भैया आप गलत बोल रहे हैं, मतलब मम्मी पापा आप गलत बोल रहे हैं, ये देखिए ये लिखा है, अब इसका काउंटर क्या दोगे, अब इससे बड़ा तो कुछ नहीं है ना। तो ये दिक्कत भी है और अच्छाई भी है, सो हम तो पॉजिटिवली ले रहे हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट और ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय पवन, तो सबसे बड़ा रीज़न है ये, मेरे जो अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे आए, और डेफिनेटली एक और बहुत बड़ा रीज़न है एजुकेशन, सो डेफिनेटली ये दोनों रीजंस को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए बेहतर है, नोटबंदी आनी चाहिए, जो हुआ है बेहतर हुआ है, लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है वो बहुत बेहतर हो सकता था। मतलब एक फैसला, हाफ कुक्ड फैसले जो होते हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं थी सरकार, और बड़ी टीम होनी चाहिए थी, और कॉन्फिडेंशियल टीम होनी चाहिए थी, बैंक्स के लोग कॉन्फिडेंस में होने चाहिए थे, ना आम जनता कॉन्फिडेंस में होती। अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते, मतलब आपके पास अगर 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख जाके अगर वापस आप एक्सचेंज कर सकते तो कोई क्राइसिस नहीं होती। मतलब आपके पास उतने पैसे, तैयारी नहीं थी, आपका ऑर्गेनाइजेशन उतना बेहतर नहीं था, लेकिन स्टेप अच्छा है, थोड़ा कष्ट है, लेकिन आई थिंक वी ऑल विल सेल थ्रू, इट इज गुड फॉर द इकॉनमी एंड द सोसाइटी एंड द कंट्री।
देखिए ऑनेस्टली बताऊं, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। जिनके पास कार्ड्स हैं, जिसके पास प्लास्टिक है जो कहते हैं, उसे उतना नहीं फ़र्क पड़ रहा है। मगर अगर आप न्यूज़ देखते हैं और छोटे शहरों में देखते हैं तो फ़र्क तो बहुत पड़ा है। लोगों को दिक्कत भी बहुत हुई है, डेफिनेटली स्टेप उठाया है, मगर अभी उसका रिज़ल्ट पूरी तरह नहीं आया। अब वो कह रहे हैं कि 50 दिन में आएगा, मोदी जी कह रहे हैं कि 50 दिन में आएगा। आई जस्ट होप एंड प्रे कि जो कह रहे हैं वो हो जाए, नहीं तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। सी हम अभी तक बचे हुए हैं, इतना क्राइसिस में नहीं आए हम लोग, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, आप ना सब्जी आप नेचर्स बास्केट जाके खरीद सकते हैं, आप सिनेमा हॉल जाते हैं, आप कार्ड स्वाइप करा लेते हैं। हम सिर्फ 20% है, 80% पब्लिक के पास तो गांव में उन्होंने कभी कार्ड नहीं देखा, कार्ड नहीं देखा। तो हिंदुस्तान का वही हो गई है कि चीज़ अच्छी है, जो सब कह रहे हैं चीज़ अच्छी है, क्योंकि कोई भी सी आधे से ज़्यादा लोग जो बोल रहे हैं ना, वो सब ये बोल रहे हैं कि जय हिंद, हम भारत के लिए कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए अच्छा है, मगर किसी को पता नहीं इससे होगा क्या। चक्कर आप किसी भी नॉर्मल जो लाइन में एटीएम की लाइन में खड़े हुए लोगों से पूछो ना, ये आप सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, जय हिंद। मगर क्यों कह रहे हैं वो किसी को पता नहीं है, उनके दिमाग में सिर्फ एक अच्छी भावना है। एक और चीज़ आई कि जैसे नई नई शादी होती है, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छी बीवी आई है, लेकिन धीमे धीमे उसके रूप निकलने लगते हैं। अगर नेगेटिव वे में देखा जाए तो समझ में आता है कि आपने क्या शादी कर ली और किस तरह की महिला से आपका पाला पड़ गया, तब आपको लगता है। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, हमारा बिजनेस लीगल है, लेकिन जो मेरे सामने कस्टमर है वो कैश का काम कर रहा है। अब आपने उसका कैश रोका है तो मेरा लीगल बिजनेस भी अफेक्ट हो गया है। तो इट इज नॉट दैट इलीगल इज गेटिंग अफेक्टेड, इट इज लीगल इज आल्सो गेटिंग अफेक्टेड। सामने वाला तो कैश का काम कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज और देखी थी मैंने कि ये पार्लियामेंट की डिबेट चल रही है, राज्यसभा जो होती नहीं है एक्चुअली लोकसभा की, मगर उसमें से एक सवाल उठा था, वो कह रहे थे अगर 6 महीने से ये चल रहा है तो आपने 100 के नोट ही क्यों नहीं छाप दिए? करेक्ट, 100 के नोट छाप देते, आपको चलो शक नहीं डालना था, 500,000 नहीं डालने थे, जो करेक्ट सवाल है भाई, क्यों नहीं करे, कर देते तो जितने बेचारे मर रहे हैं और जितने फंस रहे हैं वो बचे रहते। सी सब सपोर्ट करना चाहते हैं, सब चाहते हैं ब्लैक इकोनॉमी चले जाए, कोई भी काला पैसा ना हो, सब यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं, मगर यही हो जाता है ना, जो मर रहा बेचारा उसको क्या कहोगे? गौतम, ये भी कहा गया है कि 1,000 बेगुनाह छूट जाए, 1,000 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन 1 बेगुनाह नहीं सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपने एक मगरमच्छ के लिए पूरी छोटी छोटी मछलियों को भी तबाह करने के कागार पे आ गए हैं। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती है। स्टेप अच्छा है, आई स्टिल सपोर्टेड, बट इट कुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड इन अ मच मच बेटर वे। मनमोहन सिंह ने जो बोला है ना वो ठीक बोला है, मुझे ऐसा लगता है, पर बट देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर मोदी एज वेल एज ऑफ नाउ। और एक सवाल आपसे, ये इनको इतनी सीरियसली ले लेते कि कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं कि व्हिच इज रॉन्ग, तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए उनको पेरेंट्स की गलती है यहाँ पर। पेरेंट्स को बताना चाहिए कि बेटा लाइफ इज डिफरेंट, पढ़ाई इज वन थिंग ऑफ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप पढ़ाई को जब इतना ज्यादा कर देते हैं और पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जब मानसिक दूरियां होती हैं तो बच्चे को एम्बैरेसमेंट होता है कि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा पढ़ाई में, मैं अच्छा नहीं शो करूंगा तो मेरे पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। और तो ये गैप डेफिनेटली, और एक बार ये भी हो जाता है कि पेरेंट्स के थ्रू ही प्रेशर आ जाता है उन्हीं, तभी बच्चा करता है। अगर माँ बाप में एक भी सपोर्टिव है तो कभी बच्चा कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाएगा। कहीं ना कहीं आपने गैप रखा हुआ है, वो गैप खैर अब कम हो रहा है, धीमे धीमे और कम होता जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए, ऐसा मानना है, तो एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं होंगे कभी। थैंक यू। सही है, थोड़ा पानी।